हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ये माइक्रम का बहुत ही सुंदर सा माइक्रम का की हैंगर। और ये बहुत ही कम खर्च में, कम टाइम का और बहुत ही सुंदर दिखने वाला माइक्रम का की हैंगर आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई होप फ्रेंड्स, आप सभी को भी ये की हैंगर पसंद आएगा। सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मटेरियल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें टू कलर्स के माइक्रम के कॉर्ड चाहिए, लाइट ग्रीन एंड पिंक कलर के। ये मैंने अपनी चॉइस से लिए हैं, दोनों कलर आप कोई भी कलर ले सकते हो। इसके बाद हमें दो कलर के यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बेल्स चाहिए, दो कलर के। उसके बाद हमें दो कलर के बीड्स चाहिए सेम डिज़ाइन के। उसके बाद यहाँ पर हमें हुक चाहिए कि हैंग करने के लिए। फिर से देखिए, एक तरह के हमें दो कलर में बीड्स चाहिए, लाइटर एंड सीजर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, टू कॉर्ड्स लिया है मैंने, 3-3 मीटर में इन्हें कट कर लिया है। और कट करते हुए बीच में से मैंने इन्हें फोल्ड कर लिया है, यानी सेंटर पॉइंट ले लिया बीच का। इसके बाद एक बड़ी पिन के साथ मैंने यहाँ पे देखिए इसका सेंटर पिनअप कर लिया है। अभी यहाँ पे हम हुक तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, एक कॉर्ड ले लिया है और दूसरे वाले कॉर्ड के ऊपर से हमें इस तरह से रैप करना है। फिर से एक बार नीचे की तरफ से रैप करेंगे। यहाँ पर अभी हमें हुक बनाना है। फिर से एक बार देखिए फ्रेंड्स, दूसरे वाले कॉर्ड के ऊपर से और एक बार नीचे से करते हुए यहाँ पर हमें हुक तैयार करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 फाइव नॉट लगा लिया। अब ऐसे ही सेम हमें दूसरे तरफ भी कॉर्ड्स को एक दूसरे के ऊपर रैप करते हुए ऊपर नीचे से और 5 नॉट्स दूसरे तरफ भी लगा लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ 5-5 नॉट्स लगाते हुए और मैंने पूरा हुक यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 4 कॉर्ड्स मिल गए हमें। तो इन 4 कॉर्ड्स को लेते हुए यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देंगे, जिससे कि हुक पैक हो जाएगा, ऊपर गोलाई में आ जाएगा। यहाँ पे अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक एक कॉर्ड है इनके ऊपर अभी हमें कॉर्ड अटैच करना है। बीच में 2 कॉर्ड छोड़ दिया है। यहाँ पे अभी 3 मीटर का मैंने फिर से पिंक कलर का कॉर्ड लिया है, इसका इसे डबल कर लिया बीच से। और ये देखिए, कॉर्ड के ऊपर इस तरह से हमें नीचे की तरफ से यहाँ पे अटैच करना है। फिर से देखिए, सेकंड कॉर्ड ले लिया है, इसको भी 3 मीटर में कट किया है और कॉर्ड के नीचे रखते हुए हमने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया। अब ऐसे ही फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी तरफ भी हमें 2 कॉर्ड फंसा लेना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कॉर्ड दोनों तरफ दो दो फंसा लिया। इसके बाद एक एक बार हम साइड से रैप करेंगे, ये देखिए इस तरह से, जिससे कि कॉर्ड यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से एक एक बार हमें कॉर्ड को फिक्स करना है, कॉर्ड के ऊपर यानी रैप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से रैप कर लिया। अब सेम इस तरफ भी हमें कॉर्ड्स को रैप कर लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ मैंने कॉर्ड्स को रैप कर लिया है। इसके बाद बीच का जो सेंटर का जो मैंने नॉट लगाया था, उसमें सेंटर के 2 कॉर्ड्स बचे हैं, इससे भी हमें एक एक कॉर्ड दोनों तरफ कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ 4-4 कॉर्ड्स बचे हुए हैं। तो अभी इसी कॉर्ड पर अभी हम कॉर्ड्स को डबल डबल टाइम रैप करेंगे, यानी दोनों तरफ 4-4 कॉर्ड्स रैप होंगे। तो ये जो हिस्सा है, फर्स्ट वाला जो कॉर्ड रैप किया है, उसी को एकदम चिपकाते हुए रैप करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रैप कर लिया कॉर्ड्स को। उसके बाद दूसरी तरफ आ जाएंगे और यहाँ से भी देखिए इस कॉर्ड को लेके और ये 4 कॉर्ड्स को इसके ऊपर रैप कर लेंगे। यहाँ पे अभी देखिए सारे कॉर्ड्स को रैप कर लिया। इसके बाद फिर से हम सेंटर के यानी बीच का दोनों तरफ से एक एक कॉर्ड लेंगे और इसके अंदर एक बीड्स डाल देंगे। एक बड़ी साइज़ की हमें बीड्स डाल देनी है, ये देखिए इस तरह से। और अभी क्या करेंगे, ये देखिए 2 कॉर्ड हम इस तरफ और 2 कॉर्ड इस तरफ, बीच में हम 4 कॉर्ड छोड़ देंगे। 1 2 3 4 4 कॉर्ड छोड़ दिया यहाँ पे।
अभी देखिए साइड के दो दो कॉर्ड जो बचे हुए हैं इनसे हम सिंपल स्क्वायर नॉट यहाँ पे बीच में एक बड़ा लगा देंगे बीट्स के साथ। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बड़ी साइज़ की ही बीट्स लगानी है, क्योंकि यहाँ पे हम बाद में की हैंग करने के लिए यहाँ पे हुक लगाएंगे, तो बड़ी हुक लगानी है। सो इस तरह से देखिए टाइटली यहाँ पे हमने सिंपल नॉट लगा लिया एक बड़ी साइज़ की। कॉर्ड्स को थोड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ खींच लेना है, जिससे कि सारे कॉर्ड्स एक बराबर में आ जाएंगे, जिससे डिज़ाइन अच्छा दिखेगा। अभी इसके बाद देखिए फ्रेंड फिर से जो साइड के कॉर्ड ऊपर से रैप किया है उसे ले लेना है और कॉर्ड्स को हाफ कर लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 इधर भी है और इधर भी 4 कॉर्ड्स हैं। तो देखिए अभी 4 कॉर्ड्स को एक साइड का पहले रैप कर लेंगे, डबल डबल टाइम हमें कॉर्ड्स को रैप करना है सारे कॉर्ड्स को। सो देखिए फ्रेंड्स अभी इतना रैप कर लिया, फिर से सेकेंड वाला कॉर्ड ले लेना है और इसके ऊपर भी हमें 4 कॉर्ड्स जो बचे हुए हैं इन्हें डबल डबल टाइम रैप करना है। सो यहाँ पे अभी देखिए दोनों तरफ के कॉर्ड्स को मैंने अच्छी तरह से सेम रैप कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ के कॉर्ड्स को रैप करने के बाद बीच का जो स्टार्टिंग वाला जो कॉर्ड रैप किया है उनको एक दूसरे के साथ हमें पहले रैप कर लेना है। इसके बाद अभी जो इनमें से जो बचा हुआ कॉर्ड है, देखिए दो कॉर्ड जो बचे हैं दोनों तरफ करते हुए, अभी बाहर वाला जो कॉर्ड है उसके ऊपर भी हमें इसे डबल टाइम रैप कर लेना है इन कॉर्ड्स को। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर रैप कर लिया। इसके बाद दूसरी तरफ आ जाना है और इसके ऊपर हमें ये जो बचा हुआ कॉर्ड है अंदर वाला उसको रैप कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में बच गया दो कॉर्ड दोनों तरफ से क्रॉस में करते हुए, और इन्हें भी एक दूसरे के साथ रैप कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पे ये डिज़ाइन इतना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अभी देखिए फ्रेंड्स वो दो दो चार दो छः 6 कॉर्ड इस तरफ बच गया और 6 कॉर्ड इस तरफ, यानी टोटल 6 6 कॉर्ड बच गए दोनों तरफ। फिर से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने 2 मीटर का यहाँ पे कॉर्ड ले लिया है लाइट ग्रीन कलर का, इसको हल्का सा मेल्ट करना है। और पीछे की तरफ देखिए यहाँ पे हम पीछे की तरफ डिज़ाइन के पीछे चिपका देंगे अच्छी तरह से लाइटर से मेल्ट करते हुए। इसके बाद अभी देखिए एक एक कॉर्ड को इस तरह से लाइट ग्रीन कॉर्ड पे रखना है और लाइट ग्रीन कॉर्ड से ही हमें डबल डबल टाइम यहाँ पे पिंक कॉर्ड्स को रैप करते जाना है, यानी पिंक कॉर्ड पे लाइट ग्रीन कॉर्ड से रैप करना है। अब यहाँ पे देखिए इतना कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड फिर से मैंने 2 मीटर का लाइट ग्रीन का कॉर्ड ले लिया है और इसे भी हल्का सा देखिए मेल्ट करना है लाइटर की मदद से। और सेम जैसे फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे पीछे की तरफ चिपकाया था कॉर्ड्स को, वैसे सेकेंड वाले में भी कॉर्ड को पीछे की तरफ चिपका लेना है। और जैसे फर्स्ट वाला कॉर्ड रैप किया है वैसे यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले कॉर्ड को लेते हुए और फिर से सेम फर्स्ट वाले की तरह ही हमें यहाँ पे पिंक कलर के कॉर्ड्स को रैप करना है। एक एक करके रैप कर लेंगे। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया कॉर्ड्स को रैप करते हुए, यानी दो लाइनें हमें लाइट ग्रीन कॉर्ड से यहाँ पे रैप करके लेना है। तो इतना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें एक कॉर्ड लेना है, यानी टोटल यहाँ पे 6 कॉर्ड है पिंक कलर के। तो स्टार्टिंग वाले एक कॉर्ड लेते हुए आगे के जितने भी कॉर्ड बचेंगे यानी 5 कॉर्ड्स बचेंगे उन्हें स्टार्टिंग वाले कॉर्ड पर डबल डबल टाइम हमें रैप करना है। ये देखिए इस तरह से डबल डबल टाइम रैप करेंगे और एकदम टाइटली रैप करना है, जिससे कि जो ऊपर की तरफ ग्रीन कलर का कॉर्ड रैप किया है उसके साथ अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो टाइटली रैप करेंगे यहाँ पे
सो यहाँ पे देखिए सारे कॉर्ड्स को रैप कर लिया। इसके बाद अंदर का एक कॉर्ड लेना है और इसमें एक बीड्स डाल देंगे। बीड्स डालने के बाद जो स्टार्टिंग वाला कॉर्ड है उसी को हमें टर्न करते हुए आगे के जितने भी कॉर्ड्स हैं इन्हें हमें फिर से रैप करना है, यानी एक ही कॉर्ड्स के ऊपर हमें सारे कॉर्ड्स को रैप करते हुए जाना है। तो यहाँ पे देखिए बीड्स डालने के बाद अभी हमें इस तरह से रैप करना है, डबल टाइम हमें रैप करना है कॉर्ड्स को, जिससे कि तभी इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है अगर हम डबल टाइम रैप करेंगे तभी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आराम आराम से रैप करते जाना है हमें। सो यहाँ पे देखिए सारे कॉर्ड्स को मैंने रैप कर लिया है एक एक करते हुए। फिर से देखिए फ्रेंड इसी कॉर्ड को हम यहीं से और जैसे ऊपर की तरफ टर्न किया, फिर से अभी यहाँ पे भी लाते हुए हम यहीं से टर्न करते हुए और आगे के सारे कॉर्ड्स को इसके ऊपर रैप करेंगे। ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एक ही कॉर्ड्स के ऊपर हमें ये डिज़ाइन बनाना है, तो हमें कॉर्ड्स बिल्कुल चेंज नहीं करना है, एक ही कॉर्ड को हमें टर्न कर करके और यहाँ पे डिज़ाइंस को बनाते जाना है। सो अभी सारे कॉर्ड्स को रैप कर लिया। फिर से देखिए फ्रेंड्स अंदर का फिर से एक कॉर्ड ले लिया है, उसमें बीड्स डाल दिया और फिर कॉर्ड को टर्न करते हुए आगे के सारे कॉर्ड्स को हमें एक एक करते हुए रैप कर लेना है। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड इतना बनाने के बाद अभी फिर से हमें क्या करना है, आगे डिज़ाइन कंटिन्यू करना है, तो कॉर्ड को फिर टर्न करके डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीन डिज़ाइन मैंने बना ली है बीड्स को लगाते हुए, 1 2 3, इस तरह का पूरा यहाँ पे एक तरफ का डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया। इसके बाद दूसरी तरफ भी हमें कॉर्ड्स को टर्न करते हुए डिज़ाइन बना के तैयार कर लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दोनों तरफ सेम मैंने कॉर्ड्स को टर्न करते हुए डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। बीच में जो ग्रीन कलर का जो कॉर्ड है यहाँ पे देखिए 4 बच गए हैं, तो इन्हें लेके और हमें यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगाना है। तो सिंपल नॉट यहाँ पे हम बीच में लगा देंगे, यहाँ पे मैं बीड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें बीड्स नहीं लगाना है। सो अभी यहाँ पे इस तरह से देखिए फ्रेंड सिंपल नॉट लगा लिया है, यहाँ पे आप चाहे तो बीड्स लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। तो यहाँ पे टोटल देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 नॉट्स मैंने यहाँ पे सिंपल 5 नॉट्स लगा के और इतना हिस्सा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए फ्रेंड्स ग्रीन कलर का एक कॉर्ड लेना है, यानी 4 कॉर्ड है तो दोनों तरफ दो दो कॉर्ड कर लेंगे। और पिंक कॉर्ड पे अभी हमें लाइट ग्रीन कॉर्ड डबल डबल टाइम फिर से जैसे यहाँ पे रैप किया है वैसे नीचे की तरफ भी हमें डबल डबल टाइम रैप करना है। ऐसे एक एक कॉर्ड्स को ले लेके और यहाँ पे हमें सारे कॉर्ड्स को ग्रीन कॉर्ड से रैप करना है। और फिर से अभी यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला ग्रीन कॉर्ड ले लेना है और इसके बाद अभी इस कॉर्ड से हमें फिर से जैसे और रैप किया है फर्स्ट वाले से वैसे सेकेंड वाले से भी पूरे पिंक कॉर्ड को रैप कर लेना है डबल डबल टाइम करते हुए।
यहाँ पे अभी देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ मैंने कॉर्ड्स को रैप कर लिया, यानी ग्रीन कॉर्ड से रैप कर लिया पिंक कॉर्ड को। फिर हम बीच का देखिए, दोनों तरफ से एक एक कॉर्ड लेंगे और इन्हें एक दूसरे के साथ इस तरह से डबल टाइम रैप कर लेना है, यानी दोनों तरफ से हमें एक एक कॉर्ड लेना है। इसके बाद जो यहाँ पे बचे हुए कॉर्ड हैं उन्हें हाफ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हाफ कर लेंगे पहले, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, और दूसरे भी तरफ यहाँ पे 5 कॉर्ड्स, यानी दोनों तरफ 5 5 कॉर्ड्स आ गए हैं। अभी एक एक करते हुए हम इस कॉर्ड के ऊपर डबल डबल टाइम रैप करेंगे। अभी देखिए फिर से यहाँ पे अभी एक तरफ कॉर्ड्स को रैप कर लिया, दूसरी तरफ फिर से और दूसरा वाला कॉर्ड ले लेना है और इसके ऊपर इस तरफ के सारे कॉर्ड्स को रैप करेंगे। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ कॉर्ड्स को रैप कर लिया, फिर से दोनों तरफ से अभी सेंटर में फिर से दोनों तरफ से एक एक कॉर्ड लेना है और इन्हें एक दूसरे के साथ रैप करना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से रैप कर लिया, जैसे फर्स्ट वाला किया वैसे सेकेंड वाले में भी रैप करना है। तो अभी यहाँ पे 4 कॉर्ड और इस तरफ भी 4 कॉर्ड्स बचे, इन्हें रैप कर लेना है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, दोनों तरफ कॉर्ड्स को रैप करने के बाद बीच के मैंने 2 कॉर्ड लिए हैं और उसमें मैंने एक बड़ी साइज़ की फिर से मैंने बीड्स डाल दी है। और इसके बाद ये देखिए अभी सारे जो यहाँ पे कॉर्ड्स बचे हुए हैं इसमें से हम 2 2 कॉर्ड पहले साइड से ले लेंगे। ये देखिए 2 2 कॉर्ड ले लिया, बीच में हमें 4 कॉर्ड छोड़ देना है, 1 2 3 4 बीड्स के साथ। और फिर यहाँ पे हम दोनों 2 2 कॉर्ड दोनों तरफ से लेते हुए सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे बड़ी साइज की, जैसे ऊपर की तरफ मैंने लगाया था, सेम यहाँ पे भी हमें एक बड़ी नॉट लगा लेना है बीड्स के साथ। अभी देखिए फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पे सिंपल नॉट लगा लिया और एक एक कॉर्ड जरा जरा सा नीचे की तरफ खींच लेना है। तो यहाँ पे अभी देखिए फ्रेंड, कॉर्ड्स को बीच में से हाफ करना है, तो दोनों तरफ देखिए फ्रेंड 4 4 कॉर्ड्स आ जाएंगे। तो ये जो साइड के 2 2 कॉर्ड हैं इनके ऊपर अभी हमें 4 4 कॉर्ड्स को डबल डबल टाइम रैप करते हुए, ऊपर जैसे रैप किया यहाँ पे नीचे भी रैप करके ले लेना है। देखिए फ्रेंड, जैसे स्टार्टिंग में डिज़ाइन बनाई थी, यहाँ पे सेकंड डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया। इसी बार फिर से यहाँ पे मैंने कॉर्ड्स को हाफ कर लिया, यानी दोनों तरफ 6 6 कॉर्ड आ जाएंगे। तो ये जो रैप किया है मैंने ग्रीन कलर के कॉर्ड से, वैसे अभी यहाँ पे हमें फिर से रैप करना है। तो सेम प्रोसीजर है, देखिए पिंक कॉर्ड पे हमें ग्रीन कॉर्ड इस तरह से रखते हुए और डबल डबल टाइम रैप करना है। तो सेकेंड कॉर्ड ले लेंगे और इससे भी देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डबल टाइम रैप करना है, ये देखिए। और आगे का प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, ये देखिए एक एक कॉर्ड उठा उठा के और एक ग्रीन कॉर्ड से रैप करते जाना है आगे की तरफ। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड, इसी तरह से जैसे यहाँ पे मैं रैप करके आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही ग्रीन कॉर्ड से हमें दोनों तरफ कॉर्ड्स को रैप करके पूरा ले लेना है। अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों तरफ ग्रीन कॉर्ड से रैप कर लिया। इसके बाद यहाँ पे पिंक कलर का जो स्टार्टिंग का कॉर्ड था उसे लेते हुए एक ही कॉर्ड के ऊपर यहाँ पे मैंने सारे कॉर्ड्स को घुमा घुमा के बीट डालते हुए और घुमा के मैंने यहाँ पे देखिए डिज़ाइन बना के पूरा कंप्लीट किया है। फिर से दूसरी तरफ भी देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन कॉर्ड से रैप करने के बाद पिंक कलर का कॉर्ड लेके और घुमा के डिज़ाइन बना के तैयार कर लिया है। यानी जैसे मैंने ऊपर आपको ये डिज़ाइन बनाना बताया था, वैसे यहाँ पे नीचे भी मैंने बना के पूरा लिया है। बीच में मैंने ग्रीन कलर के 5 नॉट्स लगाए हैं, तो यहाँ पे भी मैंने 5 नॉट्स लगा के पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब दोनों बराबर में आ गया है डिज़ाइन। इसके बाद अभी देखिए जैसे यहाँ पे रैप किया है वैसे यहाँ पे भी अभी हमें ग्रीन कॉर्ड से रैप करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए पिंक कॉर्ड के ऊपर ग्रीन कॉर्ड से रैप करेंगे इस तरह से। फिर से देखिए सेकेंड कॉर्ड ले लेना है और फिर से हम ग्रीन कॉर्ड से इस तरह से रैप करेंगे। तो इसी तरह से हमें फिर से ऊपर की तरफ सेम यहाँ पे भी कॉर्ड्स को रैप कर लेना है। अभी यहाँ पे देखिए फिर से दोनों तरफ मैंने ग्रीन कॉर्ड से रैप कर लिया है कॉर्ड्स पिंक कॉर्ड को। बीच में देखिए फिर से दोनों तरफ से एक एक कॉर्ड ले लेना है और इन्हें क्रॉस में करते हुए और रैप कर लेना है। और इसके बाद देखिए आगे के जो कॉर्ड रहेंगे, यानी आगे के जो कॉर्ड बचे इनके ऊपर रैप कर लेना है दोनों तरफ से। फिर से क्या करेंगे, सेकेंड राउंड के लिए फिर से देखिए इस तरह से दोनों तरफ से एक एक कॉर्ड लेना है, इन्हें भी क्रॉस में रैप करते हुए और यह पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अभी देखिए फ्रेंड्स, पूरा ये डिज़ाइन मैंने बना के कंप्लीट कर दिया है, पूरा ये बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइनें मैंने यहाँ पे सेम ही मैंने 3
लाइनर डिज़ाइन, मैंने तीन डिज़ाइन सेम बना के यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नीचे की तरफ कॉर्ड्स को रैप कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर के फोर कॉर्ड्स बचे हुए हैं, तो इन फोर कॉर्ड्स को लेके यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा देंगे बीच में, टाइटली नॉट लगा लेना है। और नॉट को लगाने के बाद अभी सारे कॉर्ड्स को हम इक्वल में कर लेंगे, यानी बराबर में करते हुए 3 इंच के डिस्टेंस पे, यानी 3 इंच पे सारे कॉर्ड्स को एक बराबर में कट कर लेना है। सो यहाँ पे अभी देखिए रेड और ब्लू कलर का मैंने बेल्स ले लिया है, तो अभी बेल्स को हमें कॉर्ड में फंसाना है। तो इस तरह से हमें पहले दो कॉर्ड ले लेना है और एक कॉर्ड में हमें बेल फंसाते हुए लाइटर से इन कॉर्ड्स को हल्का सा मेल्ट करना है दोनों कॉर्ड को, और कॉर्ड को मेल्ट करने के बाद चिपका देंगे एक दूसरे के साथ। ये देखिए इस तरह से चिपका देना है। फिर से हम दूसरा कॉर्ड ले लेंगे, इसमें भी एक बेल फंसा देंगे रेड कलर का, और फिर से लाइटर के मदद से हल्का सा दोनों कॉर्ड को मेल करते हुए एक दूसरे के साथ चिपका देना है। इसी तरह से हम यहाँ पे सारे बेल्स को लगा लेंगे। सो यहाँ पे सारे कॉर्ड्स में मैंने बेल्स लगा के पूरा इतना हिस्सा कंप्लीट कर लिया नीचे का। इसके बाद हमारे पास हुक है ये की हैंग करने के लिए, इन्हें हल्का सा इस तरह से देखिए फ्रेंड फैला लेना है। और उसके बाद देखिए जो डिज़ाइन बनाई है बीच में और इनमें जो बीड्स डाला है ब्लू कलर का, इनमें इस तरह से हुक्स को फंसा लेना है। फिर से हम दूसरा हुक लेंगे और इसे इस तरह से फैला लेंगे, और फिर हम हुक में जो बीड्स लगाया सॉरी जो बीड्स यहाँ पे लगे हैं उनमें इस तरह से हुक को फंसाते हुए और हुक यहाँ पे बीड्स में लगा लेंगे। तो टोटल यहाँ पे 4 बीड्स हैं, तो 4 में हम हुक लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स ये माइक्रम का की हैंगर बनके कंप्लीट हो गया कम टाइम और कम खर्च में। फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखिएगा आगे के मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो मेरी कैसी लगी। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।